नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कैसे आप अपनी जेपीजी फाइल को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो। दोस्तों यदि आपके पास कुछ ऐसी जेपीजी इमेजेस जो एक्सेल की हैं और आप चाहते हैं कि उस जेपीजी फाइल की एक्सेल शीट बन जाए यानी कि एक्सेल फाइल बन जाए तो वो कैसे बनाए। अगर आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं है या फिर आपके पास ऐसी जगह वर्क आ गया है तो आप मोबाइल से ये काम कर सकते हैं। तो आज हम मोबाइल के अंदर आपको विदाउट किसी सॉफ्टवेयर के जेपीजी फाइल को एक्सेल फाइल में कन्वर्ट करना बताएंगे। यदि आप जानना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर आपको जेपीजी फाइल दिखा देते हैं हमारे ये इंटरनल डिवाइसेस में है मोबाइल की। तो यहां पर हम जाते हैं नीचे, यहाँ पर कंप्यूटर फाइल ये है, यहाँ पर है जेपीजी एक्सेल फाइल। तो ये जेपीजी एक्सेल की, तो हमारे पास इसमें ना एडिट कर पाएंगे ना ही कुछ वर्क कर पाएंगे। हम चाह रहे हैं कि इसकी एक एक्सेल शीट तैयार हो जाए और इसमें हम एडिट करें फॉर्मूला जो भी कुछ लगाना है। तो उसके लिए हम जाते हैं फिर गूगल क्रोम में। तो आपको सिंपल सा यहाँ पर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है, ठीक है। हम इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। आपको यहाँ लिखना है जेपीजी टू एक्सेल, ठीक है, और सिंपल सा सॉरी एंड इंटर कर देना है। आपको पहली वेबसाइट मिलेगी onlinetopdf.com। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, यहाँ पर जेपीजी फाइल को आप एक्सेल फाइल बना सकते हैं। सिंपल सा वेबसाइट पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पर बोल रहा है फाइल अपलोड की, तो आपको सिलेक्ट करना है। अब आपकी किसी फोल्डर में कंप्यूटर में तो वहाँ से आपको अपलोड करना पड़ेगा इसके अंदर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए नीचे, द मैक्सिमम फाइल साइज़ 100 MB, ऑल फाइल्स टुगेदर मस्ट नॉट एक्सीड 150 MB, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आपकी कैपेसिटी है या फाइल बड़ी है तो ये आपको चार्ज भी मांगेगा आपसे, ठीक है। तो आप फाइल छोटी रखें और अगर बड़ी है तो उसको आप छोटा कर लें, उसके बाद फिर आप द्वारा अपलोड करें, ठीक है। तो यहाँ पर हम सिलेक्ट फाइल पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। सिलेक्ट क्लिक करने के बाद आपको जाना है डॉक्यूमेंट्स में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद अब आपको आपकी फाइल्स को यहाँ पर इंसर्ट कराना है। अब आपके मोबाइल के अंदर किस फोल्डर किस फोल्डर में किस डिवाइस में वो आपको चेक करना है, ठीक है। तो हम यहाँ से हम अपनी जेपीजी फाइल को सिलेक्ट करेंगे। तो देखिए तीनों जेपीजी हैं, ठीक है। तीनों को एक बार मैं सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर ओपन रहेगा, ओपन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। देखिए तीनों अपलोड हो चुकी हैं। अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पर सब कुछ डिफ़ॉल्टेड रहने दीजिए, ठीक है। अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो एरो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन हमें कुछ चेंजेस नहीं करना है इसमें, ठीक है। आपकी जो भी एक्सेल सॉफ्टवेयर होगी 2007 से लेकर 2019 तक 20 तक सभी में ये फाइल ओपन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको नीचे आना है, सिंपल सा यहाँ लगा है कन्वर्ट, कन्वर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर कन्वर्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। एंड कन्वर्ट होने के बाद आपकी ये फाइल ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगी, देखिए नीचे हो गई। अगर डाउनलोड नहीं हो तो यहाँ मैनुअली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं, तो देखिए यहाँ पर फाइल डाउनलोड हो गई। आपको खोलना है तो आप खोल सकते हो, नहीं तो आपको फाइल नहीं मिले तो आपको सिंपल सा अपने मोबाइल के इंटरनल जहाँ पर डाउनलोड वाला सेक्शन आपने बनाया है वो आपने इंटरनल बनाया एक्सटर्नल वो आपको देखना है। तो हमारे इंटरनल है डाउनलोड वाला फोल्डर, सिंपल से हम डाउनलोड में जाते हैं, यहाँ डाउनलोड, ठीक है। यहाँ देखिए ये है यहाँ पर एक्सेल फाइल, सिंपल से इस पर क्लिक करते हैं सॉरी एंड यहाँ पर एक्स्ट्रैक्ट होगी ये फाइल मुझे लगता है, शायद फाइल अब डाउनलोड नहीं हुई, दोबारा देखते हैं यहाँ से डाउनलोड करते हैं। तो देखिए यहाँ डाउनलोड हो चुकी है एंड ओपन करते हैं। तो देखिए ये है फाइल, ठीक है। हम सिंपल सा यहाँ पर क्लिक करते हैं कंटेंट फाइल, तो ये शायद मुझे लगता है यहाँ पर
यहाँ पर दोस्तों ये फाइल कन्वर्ट तो हो गई लेकिन ये कंप्यूटर में लैपटॉप में खुलेगी, इसके लिए हम कुछ ना कुछ इसका निकालते हैं। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर आपको फाइल ऐसे ओपन नहीं होगी, इसमें एक एक्सेल फाइल का एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो जैसे कि डब्ल्यू पी एस ऑफिस है, आपको सिंपल सा डब्ल्यू पी एस ऑफिस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो एक ऐप तो होना चाहिए क्योंकि एक्सेल फाइल उसी पे ड्राइव होगी जिस पे एक्सेल का सॉफ्टवेयर होगा। तो डब्ल्यू पी एस ऑफिस बेस्ट है, तो हम इस पर क्लिक करते हैं, पहले इसको ओपन करते हैं फिर हम फाइल को ओपन करते हैं। तो सिंपल सा इसको क्रॉस करते हैं, क्लोज, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए ये है, ये फाइल है हमारे पास, ठीक है। हम इसको बंद करते हैं, नहीं यहाँ पर ऐड बार बार आएंगे, प्रॉब्लम होगी इसी वक्त, ठीक है। ये दो फाइल हमने डाउनलोड की थी, ठीक है, ये घे है। अब दोस्तों यहाँ पर इस फाइल को आप इस तरह कर ओपन कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर आपको यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाकर भी ओपन कर सकते हैं। सिंपल इस पर क्लिक करेंगे एंड एक्सेल की फाइल में जाएंगे, तो यहाँ से आपको सारी एक्सेल की फाइलें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो पहली फाइल यही थी हमने जो डाउनलोड की थी, ठीक है। अब देखिए ये फाइल को हम ओपन कर रहे हैं, आपको फाइल को ओपन करने के लिए ये आपको ऐप को ये डाउनलोड करके इंस्टॉल जरूर कर लेना। तो देखिए ये तीनों जेपीजी की एक एक्सेल शीट तैयार हो गई, ठीक है। देखिए जो हमने तीनों शीट दिखाई थी, 1, 2 एंड 3, ठीक है। एंड एडिट करना है तो आप यहाँ से इसमें एडिट भी कर सकते हैं। तो इस तरह हम जेपीजी फाइल को एक्सेल में कन्वर्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।